नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग इंडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में जानिए मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित इतिहास की बेशकीमती इमारत धार के किले का इतिहास और जानकारी के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं। दोस्तों, यह शानदार किला मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ये किला धार नगर के उत्तर में स्थित एक छोटी सी आयताकार पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों, धार के किले को प्राचीन हिंदू और बाद में अफगान शैली में बनाया गया था। किले का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में स्थित है। दोस्तों, धार के शानदार किले को बनाने के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री इसी छोटे से टीले से ली गई थी, जिसमें लाल बलुआ पत्थर, ठोस मुरम व काला पत्थर शामिल है। दोस्तों, बता दें आपको कि यह शानदार किला समुद्र तल से 60 मीटर यानी 197 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वर्तमान में किले की देखरेख का जिम्मा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। दोस्तों, अब बात करते हैं धार के ऐतिहासिक किले के इतिहास के बारे में। दोस्तों, जब हमने इस किले के संबंध में इतिहास के झरोके में झांका तो पाया कि इस किले का निर्माण सन 1010 से 1055 ईस्वी के बीच धार के पराक्रमी और शूरवीर परमार राजा भोजदेव जी ने करवाया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि राजा भोजदेव जी के कार्यकाल के दौरान धार को धारगिरी लीलोधान के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, सन 1305 के बाद इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आईलूल मुल्क मुल्तानी ने कब्जा कर लिया था। उसने तत्कालीन समय में इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। सन 1346 में मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी यात्रा के समय इस किले में कुछ समय रुका था। दोस्तों, धार के शानदार किले के अंदर और भी कई संरचनाएं देखने लायक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे खरबूजा महल, शीश महल आदि। दोस्तों, इतिहास से स्पष्ट होता है कि शीश महल को बनवाने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर ने भी सहायता की थी। किले का संबंध धारा शिको और औरंगजेब से भी रहा है। दोस्तों, यहाँ स्थित खरबूजा महल, जिसे कस्तूरी तरबूज के आकार के कारण ये नाम मिला है, उसका निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। सन 1732 में पवार वंश ने इस किले पर कब्जा कर लिया था और इसका उपयोग शाही महल के रूप में करने लगे थे। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय धार मध्य भारत के प्रमुख केंद्र के रूप में रहा है। उस समय इस किले पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब्जा कर लिया था और इस किले को लगभग 4 महीनों तक अपने कब्जे में रखा। दोस्तों, धार के किले के संबंध में ये कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जो हमें इस किले के इतिहास की जानकारी से परिचित करवाते हैं। दोस्तों, ये किला गवाही देता है हमारे बीते हुए अतीत की। इस किले में आज भी खुशबू महसूस की जाती है इतिहास की। दोस्तों, इस शानदार किले ने हमारे महान इतिहास को अपने सामने से गुजरते हुए देखा है। आप जब इस किले के करीब आएंगे तो ये किला आपको हमारे इतिहास के और अधिक करीब लेके जाएगा। दोस्तों, आप आसानी से धार नगर में होते हुए सड़क मार्ग के द्वारा इस किले तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, धार का किला प्रतीक है पुरातन के एहसास का। ये किला प्रतीक है हमारे सदियों के इतिहास का। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय धार।